सामाजिक जागरूकता लाने मितानिनों के द्वारा जागरण का कार्य करना कोई नई बात नहीं। अमलीपदर संकुल में जागरूकता को लेकर मितानिन प्रशिक्षिका पिंकी सिन्हा की अगुवाई में कई कार्यक्रम हुए। कभी स्वास्थ्य, कभी शिक्षा तो कभी सामाजिक कुरीतियों के विषय पर जन जागरूकता लाने मितानिन गांव तक पहुँच कर कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम में मितानिन संकुल क्षेत्र के स्कूलों में पहुंचकर स्कूली विद्यार्थियों को नशा मुक्त का पाठ पढ़ा रहे हैं। अमलीपदर संकुल के नयापाड़ा पंचायत में 2 मिडिल, अमलीपदर में 3 मिडिल, 2 हाई स्कूल, वहीं बीरीघाट में 2 मिडिल और 1 हाई स्कूल को मिलाकर 10 स्कूलों में नशा मुक्त जागरण के लिए प्रत्येक स्कूल में 12 से 13 विद्यार्थियों को बाल सहयोगी बनाया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्त स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों पर स्कूली विद्यार्थियों को जानकारी दी गई और उन्हें नशाखोरी से होने वाले बीमारियों की जानकारी दी गई। बीरीघाट हाई स्कूल में बच्चों को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने मितानिन प्रशिक्षिका पिंकी सिन्हा के अलावा मितानिन आशा यादव, मीनाक्षी नागेश, अहिल्या यादव, श्याम बाई, उल्लासो कजला उपस्थित थे। का प्रशिक्षण जागरूकता नशा मुक्ति के को नशा मुक्ति के जागरण के लिए आज प्रशिक्षण चला, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो क्या प्रयास करेंगे नशा मुक्ति को लेकर? पूरा जो बेचते हैं दुकान में सबको बंद कराएंगे। और आस पड़ोस अगर नशा खोरी हो रहा है तो उसको रोकने का कैसे प्रयास करेंगे? नारा लगाएंगे और जाएंगे बारा बारा घूमेंगे, दुकान में भी बोलेंगे। क्या नाम है? कुमारी मल्लिका यादव। किस चीज का प्रशिक्षण चला? स्कूल में अभी नशा पानी का, तंबाकू रोकेंगे, तंबाकू रोको का जागरण का कार्यक्रम चला है। तो इसको आप कैसे लोगों में कैसे जागरूकता लाएंगे? तो में हम तंबाकू बचेंगे। और क्या करेंगे? और दुकान में बेचते हैं तो उसको पारा पारा घूमकर समझाएंगे लोगों। समझाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दंबूदर यादव। मेरा नाम है पिंकी सिन्हा, मैं मितानिन प्रशिक्षक हूँ और हम लोग का काम अभी ये चल रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से। अभी बाल सहयोगी हर स्कूल में जाके चयनित कर रहे हैं, जिसमें अभी मेरा फील्ड में 7 मिडिल है और 3 हाई स्कूल है। उसी स्कूल में जा जाकर हम लोग बच्चे को सिखा रहे हैं, स्वास्थ्य प्रति जागरूक कर रहे हैं और नशा के प्रति कुछ कुछ जानकारी बता रहे हैं, जो कि वो लोग भी जाके ना अपने अपने पारा में, गांव में, घर में, अपने अपने घर में भी जाके वो लोग जागरूक कर सके। और अभी जाके हम लोग स्कूल स्कूल में बच्चे लोग को जागरण कर रहे हैं, वो लोग आगे जाके और अपना भविष्य के लिए भी वो आगे जाके भी किसी और को भी सिखाएंगे, जागरूक कर पाएंगे। और जैसे गांव-गांव में ये है, क्या बोलते हैं, दुकान में भी बेच रहे हैं, हर जगह दुकान में बेच रहे हैं, उसको भी जाके मना कर सकते हैं। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।